हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के क्लासेस में बताऊंगा एंटी माइक्रोबाइल्स। एंटी माइक्रोबाइल्स में दो बांटा गया है, दो में बांटा गया है, जिसे दो बटन है। एंटी माइक्रोबाइल्स क्या होता है, उसका नाम क्या है, उसका काम क्या है, उसका उसके बारे में जानेंगे दोस्तों। तो पहला है माइक्रोबाइल साइडल है, माइक्रोबाइल स्टैटिक, माइक्रोबायल बायो स्टैटिक है। दूसरा देखिए, अलग अलग काम करता है। माइक्रोबायल्स दो टाइप में हम कर सकते हैं, बांटा गया है दो टाइप्स में। तो माइक्रोबायल्स एंटी माइक्रोबायल्स जो होता है एंटी माइक्रोबायल्स, तो देखिए इसके बारे में हम अच्छे से जानेंगे। इस पर लिखा हूं कि केमिकल बीज द किल, मतलब जो केमिकल होता है किल, इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंगी और प्रोटोजोआ। जैसे एंटीवायरस हो गया, फंगी हो गया, तो ऐसे प्रोटोजोआ, एंटी प्रोटोजोआ इसको क्या करता है, जो बैक्टीरिया होता है उसको मार भी देता है और बॉडी को सुरक्षा भी करता है, ग्रोथ भी करता है। ठीक है दोस्तों, इसको हिंदी में समझे हैं। ठीक है, टाइप्स, इसका मतलब टाइप्स ऑफ एंटी माइक्रोबाइल्स क्या होता है, तो आप लोगों को बताया कि एंटी माइक्रोबाइल्स होता है, फर्स्ट माइक्रोबाइल साइडल होता है, और इसका काम क्या होता है, माइक्रोबाइल साइडल का काम होता है द किल द माइक्रोबाइल्स, द किल द माइक्रोबाइल्स, चाहे द किल स्टॉप माइक्रोबाइल्स, ये भी कर सकते हैं। देखिए दो चीज में बांटा है, द किल द माइक्रोबाइल्स, माइक्रोबाइल्स का मतलब होता है किल करना, माइक्रोबाइल साइडल का मतलब होता है किल करना, और दूसरा है माइक्रोबाइल स्टैटिक में, माइक्रोबाइल स्टैटिक में होता है जो दे स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द माइक्रोबाइल्स। तो द इसमें लिखा है, लिखा है जैसे आप लोग समझिए कि जो माइक्रोबाइल्स होता है उसको क्या करता है, जैसे मान लीजिए कोई बैक्टीरिया आता है तो क्या करता है, माइक्रोबाइल्स दूसरा फर्स्ट माइक्रोबाइल्स इसको किल कर देता है, इसको किल कर देता है, माइक्रोबाइल साइडल का किल कर देता है। दूसरा होता है माइक्रोबाइल स्टार्टिंग द स्टॉप, और स्टॉप भी करेगा और ग्रोथ भी करेगा। तो देखिए ये मेडिसिन का काम है, ये तो आप लोग चैप्टर है केमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री का जो क्लासेस है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का, उसमें एंटी माइक्रोबाइल्स आता है, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि माइक्रोबाइल्स क्या काम करता है। जब हम लोग मेडिसिन लेने जाते हैं, जो हम लोगों को फीवर, चाहे कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है, चाहे कोई भी मतलब बीमारी होता है, तो जाते हैं दवा लेने, तो उसको खाने से क्या क्या काम होता है उसके बारे में समझते हैं। एंटी माइक्रोबाइल्स जो हम लोग बॉडी में फैला रहता है, एंटी माइक्रोबाइल्स मतलब उसको क्या करता है, एंटी माइक्रोबाइल्स क्या करता है, जो बीमारी फैला होता है एंटी माइक्रोबाइल्स क्या करता है उसको स्टॉप, मतलब द किल द माइक्रोबाइल्स को खत्म कर देता है। और दूसरा वो क्या करता है, माइक्रोबाइल्स जो माइक्रोबाइल्स से स्टार्टिंग होता है, स्टार्टिंग वो क्या करता है, द स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रोबाइल्स। तो माइक्रोबाइल्स ये काम करता है, जैसे आप लोग सिंपल में लिया, जब दवा लेने से ये नहीं सोचते होंगे कि दवा हम लेते हैं तो क्यों ठीक हो जाते हैं, तो उसका काम क्या होता है, जब हम लोग दवा लेते हैं वो एंटी माइक्रोबाइल्स है, वो क्या करता है, एंटी माइक्रोबाइल्स दो चीज में बढ़ जाता है, एक क्या करता है उसको किल कर देता है बैक्टीरिया को, दूसरा क्या करता है स्टॉप भी करता है, शरीर का ग्रोथ भी करता है। यही है सिंपल में आप लोगों को परिभाषा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इसका क्लासिफिकेशन एंटी माइक्रोबाइल एजेंट जो होता है, क्लासिफिकेशन एंटी माइक्रोबाइल 7 में बांटा गया है, जिसमें आप लोगों को सारी बताऊंगा इसमें। देखिए दोस्तों, आज का टॉपिक ये है, एक्स्ट्रा है थोड़ा सा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, इसको समझना जरूरी है क्योंकि आगे जाने पर यही आप लोगों को जरूरत आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के क्लासेस में हम बताऊंगा, आप तो समझ गए, जो हम लोग दवा लेते हैं जो बीमारी होती है, जो कि मतलब वो क्या काम करता है, तो वो एक वो दवा होता है एंटी माइक्रोबाइल्स। एंटी माइक्रोबाइल्स क्या करता है, माइक्रोबाइल स्टार्टिंग मतलब माइक्रोबाइल जो माइक्रोबाइल साइडल होता है उसको किल, मतलब किल माइक्रोबाइल साइडल क्या करता है, किल कर देता है माइक्रोबाइल्स को। दूसरी माइक्रोबाइल स्टार्टिंग क्या करता है कि स्टॉप द ग्रोथ और माइक्रोबाइल्स करता है, स्टॉप भी करता है ग्रोथ भी करता है। ठीक है, दूसरा है क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोबाइल्स जो एंटी माइक्रोबाइल्स होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी माइक्रोबाइल्स एजेंट। ठीक है, बेस ऑन द मैकेनिज्म एक्शन होता है। दूसरा होता है बेस ऑन द थेरेप्यूटिक यूज होता है,
और बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ एक्शन होता है। इसके बारे में हम अलग अलग कर दिया हूँ। बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ एक्शन होता है, एंटी माइक्रो माइक्रो बैक्टीरियल एजेंट होता है, बेस ऑन द सोर्स होता है, बेस ऑन द केमिकल स्ट्रक्चर होता है। तो इतना हम लोग जानेंगे आज की क्लासेस में। देखिए जो एंटी ऑन द बेसिक ऑफ मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन होता है वो क्या काम करता है, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर होता है, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर होता है। जो फर्स्ट होता है ना वो क्या करता है, सेल वॉल को सिंथेसिस इनहिबिटर करता है, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर करता है। न्यूक्लिक एसिड कैसे बनता है, डीएनए और आरएनए से बनता है ना, डीएनए और आरएनए, आरएनए से बनता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड द सिंथेसिस इनहिबिटर ये बनना काम करता है। इंटरफेयर विद द इंटरमीडिएटर मेटाबॉलिज्म होता है, सेल मेम्ब्रेन सिंथेसिस इनहिबिटर होता है। दोस्तों इसमें यह काम करता है, जैसे मान लीजिए डीएनए जो बॉडी में क्या क्या बनता है उसके बारे में मतलब इसका फर्स्ट ऑर्डर बताता है मैकेनिज्म, बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। जो बॉडी में क्या सेल काम करता है, कैसे मतलब बॉडी का प्रोटीन बनता है, कैसे न्यूक्लिक बनता है, जिससे सेल कैसे बनता है इसके बारे में बताता है। सेल मेंबर सिंथेसिस इनहिबिटर किससे किससे मिलकर बना होता है वो बताता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, बेस ऑन द थेरेप्यूटिक यूज। थेरेप्यूटिक यूज क्या करता है, ऑन द बेसिक ऑफ थेरेप्यूटिक यूज ऑर्गेनिज्म इफेक्ट। इसका इफेक्ट क्या होता है, देखिए एंटी बैक्टीरिया होता है इसमें, एंटी बैक्टीरिया का एक ड्रग का चैप्टर है उसको भी बताऊंगा, क्योंकि एंटी बैक्टीरिया इसमें होता है, एंटी फंगल है, जिसे मतलब ये दवा इफेक्ट करेगा तो इसका दवा क्या होता है उसके बारे में हम आप लोगों को बताऊंगा। एंटी फंगल होता है इसमें, एंटी वायरल होता है, एंटी प्रोटोजोआ होता है, एंटी हेलमेथिस होता है, एक्टो पैरासिटी साइड होता है, एक्टो पैरासाइटिक साइटिस होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में आप लोग जानिए कि इतना हम लोगों को ऑन द बेसिक ऑफ थेरेप्यूटिक यूज ऑर्गेनिज्म इफेक्ट में काम आता है। जैसे ये मान लीजिए एंटी बैक्टीरिया हो गया, इसका कौन सा दवा लेंगे, एंटी फंगल हो गया इसका कौन सा दवा लेंगे, एंटी वायरल मतलब फीवर कुल हो गया जिसे एंटी फंगल होता है मतलब बीमारी, एंटी हेलमेटिक होता है तो इसका क्या दवा लेंगे, एक्टो पैरासिटी साइटस हो गया तो क्या लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा देखेंगे, तीसरा चैप्टर, बेस ऑन द स्पेक्ट्रम ऑफ द एक्टिविटी, मतलब बेस ऑफ द स्पेक्ट्रम एक्टिविटी में क्या करता है, जो बोर्ड होता है स्पेक्ट्रम को ये क्या करता है, किल मेनी और ऑर्गेनिज्म कर देता है। नैरो जो होता है स्पेक्ट्रम मतलब ये काम करता है, देखिए इसमें अब चौथा में है, इसमें कुछ नहीं है ज्यादा, जो बेस ऑन द स्पेक्ट्रम होता है एक्टिविटी को उसको किल करने के काम आता है, नैरो जो स्टॉप करने के लिए काम आता है। बेस ऑन द टाइप्स ऑफ एक्शन, जो बेस होता है बेस ऑन द एक्शन टाइप्स ऑफ एक्शन, बैक्टीरिया स्टडी इसमें क्या करता है, इसमें किल कर देता है, किल कर देता है, इसमें क्या करता है स्टॉप कर देता है, स्टॉप एंड ग्रोथ कर देता है। तो इसका मतलब आप लोग समझे, स्टार्टिंग मतलब होता है, यहाँ पर बताया था स्टार्टिंग मतलब होता है, स्टार्टिंग मने इधर स्टॉप, स्टार्टिंग मने स्टॉप होता है, और साइडल मने किल होता है, साइडल मने किल होता है, साइडल होता है तो किल का मान लीजिए होता है, स्टार्टिंग मने स्टॉप होता है। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग बता दिए। एंटी माइक्रोबैक्टीरियल एजेंट क्या होता है, एंटी माइक्रो बैक्टीरियल एजेंट होता है, इसका चैप्टर इसके बारे में हम बता दूंगा। बेस ऑन द सोर्स, ठीक है। फंगी मतलब होता है, देखिए एग्जांपल पेंसिलिन, आप लोग बताया था ना फंगी क्या होता है उसका मतलब नेम, बेस ऑन द सोर्स, इसका सोर्स क्या होता है तो इसका मतलब होता है सोर्स इसका ये, तो बेस इफेक्ट का बारे में बताया गया कि एंटी बैक्टीरिया होता है, एंटी फंगल होता है, एंटी वायरल होता है, एंटी प्रोटोजोअल होता है, एंटी हेलमेंथिक होता है, एक्टो पैरासिटी साइडल होता है, साइडल साइडस।
ठीक है। अब देखिए सोल सीज का क्या है, बेस ऑन द सोल्स, सोल से यह होता है जो फंगी होता है उसका कौन सा दवा लेते हैं, जैसे मान लीजिए पेंसिलिन हो गया, एक्टिनोमाइसिटेट्स जैसे एग्जांपल एजिथ्रोमाइसिन हो गया, अब जाएंगे मार्केट में तो पेंसिलिन मांगे तो मिलेगा, जो फंगी का मतलब काम आता है, मतलब बैक्टीरियों को किल करने में काम आता है पेंसिलिन, एक्टिनोमायोसिटिस जो होता है एरिथ्रोमाइसिन का मतलब मेडिसिन होता है, इसके बारे में आप लोग बताया है। देखिए बैक्टीरिया को क्या काम करता है, बैक्टीरिया जो हो जाता है पॉलीमेक्जिन, प्लूमेक्जिन आता है सिंथेटिक सल्फो जो सिंथेटिक होता है उसका नाम से आता है सल्फोनामाइड आता है दोस्तों, सल्फोनामाइड एग्जाम्पल है सब, देखिए इसको ध्यान से देखिएगा, जब ये हम लोग जो सोर्स होता है मतलब सोर्स जो ग्रो मतलब काम करने के लिए होता है, जो पेंसिलिन हो गया, एजिथ्रोमाइसिन हो गया, पॉलीमिक्सिन हो गया, मिक्सिन भी होता है, सल्फोनामाइड होता है सल्फोनामाइड, तो इतना आप लोगों को काम आएगा, जैसे इसको क्लासेस में आप लोग बता दिया हूँ एंटी माइक्रोबायल्स में क्या क्या काम होता है, क्या मतलब इसका क्लासिफिकेशन है, आ गया तो पेपर में तो लिख दीजिए, नहीं तो ये नॉलेज के लिए आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट भी आप लोगों के काम आएगा कि जो आप लोग लोकल मतलब सिंथेसिस लोकल जैसे लोकल आप लोग ड्रग आ रहा है लोकल एनेस्थीसिया लोकल एनेस्थीसिया उसके बारे में बताओगे दोस्तों, लोकल एनेस्थीसिया और जनरल एनेस्थीसिया क्या होता है, इसमें बहुत चीजें हैं जो आप लोगों को जानना जरूरी है, क्योंकि आश्चर्य इसके नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताऊंगा कि मतलब इसका क्या होता है, जो हम लोग क्लासेस लेते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगा, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में बताऊंगा, जो मतलब आप लोगों को बता दूंगा ब्लीचिंग पाउडर हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये सारी बताऊंगा, कैसे हम लोग बनाते हैं, इसका क्या काम है, इसका मतलब कितना केमिकल भार होता है, इसके बारे में बताऊंगा। हाँ दोस्तों जब आ जाएगा हम लोगों को जो इथी बनाने के लिए, जैसे मान लीजिए एस्क्लोपिनेक बना रहे हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बारे में बताऊंगा। ये तो अभी तीसरा एंटी माइक्रोबायलिस मतलब ये तो तीसरा चैप्टर है, इसके बारे में आज खत्म होगा, दो तीन चैप्टर और हैं, डेंटल्स है उसका खत्म करके उसके बाद आप लोग बताऊंगा, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, चलिए नमस्कार।